Nadeem Qasim, Supreme Court Council member of Johar Town Real Estate Agent Association. Give him a huge round of applause. اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعيم رائع صاحب ڈائریکٹر سیلز میرے پیارے بھائی زہر شریف صاحب میرے جوہر ٹاؤن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے لیڈرز میرے پارک ویو کے प्यारे भाइयों और मेरी लाहौर से आए हुए रियल स्टेट सेक्टर के लीडर्स, मैं सबसे पहले मशकूर हूं जाहिद शरीफ साहब का जिन्होंने हमें यहां बुलाया, इतनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। ये वो नगीना है जिसने बरसों हमारे साथ काम किया और वहां से अपने आप को मनवा के फिर बड़े साहब ने हमसे इसको छीन लिया। बहरहाल हम दुआगो हैं कि अल्लाह मियां इनको मजीद कामयाबियां नसीब फरमाए। चंद दिन पहले मैं, क्योंकि रियल एस्टेट कम्युनिटी में अक्सर जाने का इत्तेफाक होता रहता है, तो चंद दिन पहले, दो तीन दिन कबल मैं एक तकरीब में गया हुआ था, लॉन्चिंग की तकरीब थी, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने वहां गिला किया कि कारोबारी मंदे का, तो मैंने वहां पे भी एक जिक्र किया था और आज बड़े साहब को सामने पाते हुए फिर वही बात करना चाहता हूं कि ये जो कारोबारी मंदा है, एक फैक्टर है आलमी किसान बाजारी, उसके बाद मेरे मुल्क के हालात, ये सब कुछ होने के बाद आप मेरे मुल्क की पिछली 75 साल हिस्ट्री देख लें कि जब भी रियल स्टेट सेक्टर में मंदा या कोई स्टेटस को आया तो हम लोगों ने एक ही बात की कि दिस इज द बाइंग टाइम, ये खरीदने का वक्त है। मगर पता नहीं इस दफा हमें क्या हो गया, हम बिल्कुल स्टेगनेंट होके बैठ गए हैं और मुंह उठा के देख रहे हैं और सोचें, हर शख्स अपनी अपनी जगह पे मार्केट लीडर बनके अपनी अपनी कंपनी पे जिसके साथ काम कर रहा है उसको कायल करे कि ये कारोबार खालिस्तन तलब और रसद का मामला है, कि वो मार्केट में अपना माल जरा रोक के निकाले और माल को रोक के रखें, जब तलब बढ़ेगी तो उसके बाद रसद बढ़ा दें। मैं समझता हूं कि अगले चंद दिन में, आज एक बहुत बड़ा मसला जिसको अमरूद बेचने वाला भी डिस्कस करता था, जिसको प्रॉपर्टी बेचने वाला भी डिस्कस करता था, जिसको ग्रोसरी स्टोर वाला भी डिस्कस करता था कि सुबह जाते कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है, वो मसला हल हो गया। अब मैं समझता हूं कि आज स्टॉक मार्केट काफी हद तक पॉजिटिव हो गई, कल हमें अपना काम पॉजिटिव करने के लिए अपनी अपनी, मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, ज्यादा साहब जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप उन सबको टेबल पे लाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदारा अपनी चीजों को थोड़ा रोक के मार्केट डिमांड के मुताबिक चलाएं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब फिर आपकी प्रॉपर्टी, आपका रियल एस्टेट सेक्टर इस मुल्क की इकोनॉमी है राज करेगा। और मैं फिर आपसे एक बात जरूर और करूंगा कि आज मैं पहली दफा इतनी दूर पार्क व्यू में आया हूं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी काबिशें हैं, तो डिलीवरी टाइम जो आपने दिया है, मैं समझता हूं मुझे उससे कबल चीजें मच्योर होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे ही अपनी काबिश से, अपनी मेहनत से इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, इस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आगे बढ़ते रहिए। बमा लेना इल्ला बिल्लाह।